हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ मनीषा एंड मैं इस चैनल में DIYs और होम डेकोर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा वॉशरूम, इसको मुझे मेकओवर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी डीप क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए मैं ये दो क्लीनर का यूज करती हूँ, एक पॉट क्लीन के लिए और एक टाइल्स के लिए। तो टाइल्स क्लीनर को मैंने 50-50% क्लीनर और वाटर डाल के रेडी कर लिया है। उसके साथ में ये हैंडी प्लस का ग्लव्स और ये कपड़े धोने वाला ब्रश। तो सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी सारे टाइल्स को। जो हमने लिक्विड प्रिपेयर किया था उसको हम यहाँ पे स्प्रे कर देंगे और छोड़ देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद मैं कपड़े धोने वाले ब्रश से इसको अच्छे से रब कर रही हूँ। जो यहाँ पे हमारा फ्लोर है उसको भी हम अच्छे से रब करके क्लीन कर देंगे। बेसिन और कमोड के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ब्लू हार्पिक। बेसिन को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे बर्तन धोने वाला जूना को यूज कर रही हूँ, जो कि पूरा वॉशरूम में ही रहता है मेरा। एक वॉशरूम का सबसे इग्नोरिंग पार्ट होता है ये कमोड, जिसको हम सब में से कोई भी क्लीन नहीं करता। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है ये यूज हुए टूथब्रश। तो इसके लिए भी मैं यूज करती हूँ ब्लू हार्पिक। तो जहाँ जहाँ भी मेरा हाथ जा रहा था उस तक क्लीन मैंने कर लिया है। देखिए जो वॉशरूम के टैब्स एंड सैनिटरी है उसको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। सिंपली मैं एक जूने में थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन ले लेती हूँ और उसी से ही ये साफ हो जाता है, क्योंकि ये स्टील के ही है। आप इसके जगह ब्लू हार्पिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू हार्पिक इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बट मुझे पर्सनली पसंद है बर्तन धोने वाला साबुन। चलिए अब डीप क्लीनिंग तो हो चुका है, अब बढ़ते हैं थोड़े DIYs की तरफ। तो ये है एक पुराना हैंड सैनिटाइजर का डब्बा और उसके साथ में मैंने लिया है ये कुछ हनी बॉटल्स और कॉफ़ी बॉटल्स के कैप्स, जिन पे मैं कर रही हूँ अभी गोल्डन स्प्रे पेंट। तो अब बारी आती है ग्लास कंटेनर्स की। एक में मैंने डाला है ईयरबड स्टिक को एंड दूसरे में मैंने डाला है ये फ्रेग्रेंस फ्लावर, फ्लेवर है ओशन ड्रीम्स। जार में मैंने डाला है ये कपूर और फोर्थ जार में मैंने डाला है थोड़ी सी सर्व, कुछ छोटे मोटे चीजों का यूज करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं थोड़े से डेकोरेशन की तरफ। तो ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से ये डेकोरेटिव वॉल टाइल स्टिकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको बाय करना हो तो। इस स्टिकर को आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, लाइक कबर्ड, फर्नीचर और टाइल्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं। स्टिकर को लगाना बहुत ही इजी है, बस थोड़ा थोड़ा निकालना है और इसको लगाते जाना है। एक साथ नहीं निकालना है क्योंकि इसकी जो ग्लू है वो एक साथ में वॉल पे चिपक जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई नहीं, वो दरवाजे से कवर हो जाएगा। अब बेसिन के ऊपर मैं लगा रही हूँ ये व्हाइट मिरर। नेक्स्ट मैंने लिया है ये 3 फ्रेम्स। अब यहाँ पे कुछ प्रिंटआउट्स है जिनको मैंने खुद पिक्सआर्ट से बना के और प्रिंटआउट से प्रिंट निकाल लिया है। अब इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फ्रेम्स को रेडी कर लेंगे। अब जो ये फ्रेम्स आप देख रहे हैं वो मैंने बहुत दिन पहले लिया था अमेजोन से, अगर लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको लेना हो तो। अब इन्हें वॉल पे स्टिक करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैजिक टेप, ये मैंने लिया था अमेजोन से। अब इनको भी मैंने वॉल पे स्टिक कर लिया है। अब जो आप यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हैं उसके लिए मैंने ये लिया है ये 3 लेयर का ये शेल्फ। ये मेरे पिछले वॉशरूम का था तो इसको फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं इसी को ही डेकोरेट कर रही हूँ। अब डोर के लिए मैंने लिया है ये डोर हैंगर। अब इन दोनों को फिक्स करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प लिया है। अब इस शेल्फ के अंदर मैं रख रही हूँ अपने डेली यूजेस के सामान, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, डिटॉल, ये सारे सामान मैं रख रही हूँ। अब इसके जस्ट नीचे ही मैंने लूफा को हैंग किया है।
यहाँ पर मैंने लिया है कमोड के लिए फ्लशमैटिक क्लीनर। अब इसके बैक साइड में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको इसे यूज कैसे करना है। तो बस आपको इसकी प्लास्टिक को रिमूव करना है और कमोड में डिप कर देना है। इसमें आपको एक ब्लॉक में 240 फ्लशेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है डीमार्ट से ये मल्टीपर्पज ट्रे, ये 3 का सेट है। और एक सेट मैंने लिया है अपने किचन के लिए और एक सेट मैंने लिया है अपने वॉशरूम के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने कमोड के साइज़ को देखते हुए ये 2 स्मॉल ट्रे लिया है। अब इसके अंदर मैं अपने डाल रही हूँ ये डेली यूजेस के स्टब्स। नेक्स्ट मैं फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पे हैंग कर रही हूँ वॉल पे ओडोनिल, उसके साथ ये 2 टॉवल्स। तो चलिए अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हैक। डस्टबिन में हम जब पॉलीथीन लगाते हैं उसके नीचे एक कपूर में डालती हूँ ताकि कोई भी बैड स्मेल ना आए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है ये बाथ स्टूल, उसके साथ में ये बाल्टी और मग्गा। बेसिन के राइट साइड में मैंने लगाया है ये ब्रश होल्डर। तो अब देखिए यहाँ पे फ्लशर ब्लॉक्स का कमाल। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ बेसिन में ये कपूर और अब चलिए देखते हैं फाइनल रिवील। छोटा सा वॉशरूम, यहाँ पे मैंने अपने वॉशरूम को साइज को देखते हुए मैंने अच्छे से अच्छे डेकोरेट करने की कोशिश किया है। बाकी आप लोग कमेंट्स करना कि पूरे मेकओवर्स में से आप सभी को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही चैनल पर अगर कोई न्यू हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।